आकाशवाणी का एक जरूरी प्रसारण। एक हफ्ते से आंध्र प्रदेश में हलचल मचाने वाले तूफान की वजह से उभय गोदावरी की जिलाएं कृष्णा, गुंतुरु, प्रकाश जिलाओं में एक ओर हलचल मची है तो दूसरी ओर रायलसीमा के चित्तौर, कड़प्पा जिला की हालत बहुत खराब हो चुकी है। थोड़ी देर पहले तेलंगाना के वारंगल प्रांत के सारे गाँव पानी के बहाव से पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। गाँव के लोग वहाँ से बच कर निकलने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत सारे लोग उनकी मदद के लिए वहाँ पहुँच चुके हैं। खबर आ रही है कि वहाँ की संचार व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ जाने की वजह से उस गाँव का संबंध शहर से पूरी तरह से कट चुका है। खबर आ रही है कि रेल की पटरियां पूरी तरह डूब जाने से एक ट्रेन भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान जाने की उम्मीद जताई जा रही है। हालात इतने खराब हैं कि सहायक दलों का भी वहां पहुंचना मुश्किल हो रहा है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, उम्मीद यही है कि हालात बहुत जल्द सुधरेंगे।
चंद्री जी, आप ठीक तो हो ना? अगर आप जीवित रहोगे तो और तत्वों को जीवित रख सकते हो। भगवान सब ठीक करे, मैं भगवान नहीं हूँ भाई। सरकार आपको वापस घर बना कर देगी, जरूर देगी, आप हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि आप इनके लिए भगवान बनकर आए हैं सर। काफी लोगों को ना बचाने का अफसोस है मुझे। वैसे भी इस वक्त सच में भगवान बनकर इन सब की मदद सरकार को करनी चाहिए। ना तो ये कोई सरकारी अधिकारी है और ना ही मिलिट्री के कोई सैनिक, इसके बावजूद यहाँ पर लोगों की जी जान से सेवा कर रहे हैं और सिविल डिफेंस के द्वारा लोगों को मदद पहुँचा रहे हैं। उस्मानिया के पीजी विद्यार्थी सिद्धार्थ और उनके मित्रों द्वारा कई लोगों की जान बचाई जा चुकी है। सच में उनका ये प्रयास बहुत ही वैसे यार, तू अपने पड़ोसी को पटाने की बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है, पटी के नहीं? वो नहीं पटेगी, ट्राई करके इसके सिर के बाल झड़ गए हैं, टकला हो गया है। वैसे रवि कहाँ है यार? वो अभी तक आया नहीं। अरे मैं भी वही पूछ रहा हूँ ना। और क्या रहेगा यार, दो सब्जेक्ट्स गए ना उसके, उसी टेंशन में होगा। कमाल है यार, क्या आएगा नहीं वो? रात दिन मेहनत कर रहा है वो बेचारा। हाँ, पीछे मुड़ के देख। आ गया जनाब, एंट्री देखो इनकी। इंदुमती भानुमती जिसका पति। चुप करो, आ गया अपना हीरो। वैसे क्या इंदुमती सच में मुझसे प्यार करती है? ए, इंदुमती नहीं, भानुमती। ए, भानुमती मुझसे प्यार करेगी? मुझे सच्चे प्यार की तलाश है यार। क्या बात है, जरूर प्यार करेगी यार। इसे कहते हैं असली दोस्त। सबसे किया है तुझे भी करेगी। समुद्र मंथन से अमृत बाहर निकल गया, लेकिन भानुमती के दिल से मेरा प्यार क्यों बाहर नहीं निकल रहा है यार? तो तेरा डूब जाना ही सही रहेगा। कभी ना कभी तो सभी। बाबूजी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। अंकल, आप रामचंद्र जी है ना? क्या आपने हमें पहचाना? हम आपको कैसे भूल सकते हैं बाबूजी, आप तो हमारे लिए भगवान हो। आप इस तरह? मैं अकेला नहीं बाबूजी, आधे से ज्यादा हमारे गांव के लोग यहाँ के बस स्टैंड पर और रेलवे स्टेशन पर मेरी तरह भीख मांग रहे हैं। लेकिन पेपर में तो खबर छपी थी कि पीड़ित लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत मदद की है। पेपर में जितना छपता उतनी मदद अगर गरीबों को मिल जाती तो हमारा देश कब का सुधर जाता बाबूजी। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर विल एड्रेस द गैदरिंग। सर, यहाँ विराजमान आदमी, औरतें और बच्चों सबको मेरा प्रणाम। इस फोटो में कौन है? परकाला पुरुषोत्तम यादव, यानी इलियास पप्पू यादव है। प्रजा सेवा के लिए इनका बहुत बड़ा दिल है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वैसे ही आप लोग सब जानते हैं कि आंध्र राष्ट्र में जो तूफान का कहर आया है वो कितना बुरा था। बापरे, वरंगालू जिला तो मैं क्या कहूँ, बहुत घर बर्बाद हो गए वहाँ पे, आपको मैं क्या बताऊँ। आपको ये बताऊंगा जरूर कि इन्होंने उन पीड़ितों के लिए खुद अपने पैसों से 5 करोड़ का इंतजाम किया। दो करोड़, सुन लिया आपने? 2 करोड़ बढ़ाने वाले हैं। इनका दिल बिल्कुल ही मोम का है, मोम का। सबके लिए ये कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। अगर ऐसा शख्स आपकी असेंबली में बैठा तो देखिए क्या होगा, सबका कल्याण हो जाएगा, आप सब खुश हो जाएंगे। और वरंगालू इलेक्शन जो आने वाले है ना, उसके लिए अगर आप इनको वोट देंगे दिल से, पप्पू यादव जी को, तो हमारी पार्टी कैंडिडेट के रूप में इनके आमंत्रण के लिए हमने बहुत बड़ी पार्टी दी है आप सबके लिए, और इसमें हम आपको आमंत्रित करते हैं और कहते हैं कि आप इन्हें वोट देकर जरूर जिताइए, वो भी भारी बहुमत से, और इसी के साथ तालियां हो जाए। क्या बात है, बहुत अच्छे।
ये है हमारे देश का भविष्य। तूफान ने इसके परिवार को निगल लिया। अब उससे भी भयानक बात है, तूफान पीड़ितों की मदद ने इसे निगल लिया है। 2000 पीड़ितों की मदद के लिए भेजा हुआ सामान 100 लोगों तक भी नहीं पहुंचा, क्योंकि वो कुत्तों को फेंकते हैं वैसे फेंका जा रहा था। उस भीड़ में मरने वालों में से ये भी एक है। नाम मिहिर विक्रमादित्य सिंह प्रसाद। आधी रात को भी उठाते थे तो ये बिना रुके कबीर के दोहे आसानी से बोल जाता था। तीसरी कक्षा में पढ़ता था। 220 वर्किंग डेज में से एक भी दिन स्कूल नहीं छोड़ता था। यह था उसका भविष्य। तूफान में किन हालात का सामना करना पड़ता है। यहां एसी हॉल में बड़ी बड़ी बातें करने वालों को क्या पता। आसमान में उड़ते हुए देखेंगे तो नीचे हरियाली ही दिखाई देगी। एक बार जमीन पर तो आओ, कड़वा सच भी दिखाई देगा। अरे रे 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 रे। इस दुर्घटना के बारे में मुझे कतई कुछ पता नहीं था। इसके लिए मैं बहुत गहरा शोक प्रकट करता हूं, शर्मिंदा हूं मैं। अभी अमजद का फोन आया था। तूफान में मदद करने वाले उस पप्पू यादव के लोग सारा माल लॉरी से स्टेट के बाहर लेकर जा रहे हैं। मदद ना मिलने की वजह से लोगों की जान जा रही है और तुम लोग माल स्टेट के बाहर ले जा रहे हो। ईमानदारी से लॉरिया पीछे ले लो, नहीं तो क्या करेगा, मार देगा क्या? मारूंगा नहीं, लेकिन मौत से मुलाकात जरूर करवाऊंगा। तीसरे का पैर और तीसरे की तो दिमाग की नसें ही फाड़ डाली। थोड़ी देर में तुम्हारा भी यही हाल होगा अगर हमें रोकने की भी कोशिश की है तो। बड़े बड़े राजनेता जो नहीं कर पाए वो तुमने कर दिखाया, इसके लिए शुक्रिया। ए, कौन है रे वो? हाँ? लॉरी से हमारा अनाज चुराने वाला, ए, कौन है वो? कौन है, कोई बताएगा कौन है? यही है भाई। ए, मेरा नाम जिद्दी नानी है। 42 साल की उम्र में मुझ पर 42 केस लगे हैं। मेरा कोई नहीं है, ना माँ बाप है, ना भगवान है, मेरा कोई भी नहीं है। अपने जीजा की खुशी के लिए यहाँ के नियोजक वर्ग के मंत्री को मैंने मार दिया। जानते हो किस लिए? यहाँ के बायो इलेक्शन में उनको जिताने के लिए। सुनो, मेरा बैकग्राउंड जानने के बाद कोई भी वोटर लिस्ट में दिखाई नहीं देता। मुझसे या मेरे जीजा जी से पंगा मत लेना। अभी तक पंगा नहीं लिया था, लेकिन अभी पंगा लेना चाहता हूँ। इसे मिल, अजय कुमार है ये। एमकॉम टॉप रैंकर है, इसी गांव का है। आने वाले इलेक्शंस में तेरे जीजा के ऑपोजिशन में खड़ा रहेगा ये। अच्छा है, काफी दिन हुआ खेले हुए, खेलते हैं, देखते हैं। यहाँ सोच रहा हूँ तो मुझे खुद को डर लग रहा है। फिर मिलते हैं। Hey!
पीछा कर रहा है। और कौन हो सकता है, पप्पू के आदमी होंगे। नॉमिनेशन की लास्ट डेट तो कल ही है ना। क्यों बे, तुम चारों राजनीति में कदम रखकर इलेक्शन जीतना चाहते हो क्या? राजनीति यानी स्कूल में मास्टर जी का कहा हुआ रट्टा मारकर उसे उस तरह से लिखना, ये समझाए क्या? ऐसा नहीं है। मर्डर्स करने पड़ते हैं, बॉम्ब्स फेंकने पड़ते हैं, पोलिंग बूथ्स को कैप्चर करना पड़ता है, दारू और पैसे दोनों बांटने पड़ते हैं। ये सब कुछ तुम कर सकते हो? मैं कर सकता हूं। अरे कर सकते हो क्या, बोलो। आप रुकिए जीजाजी, तुम्हें इस उम्र में क्या करना चाहिए? लड़कियों का पीछा करना चाहिए, टीजिंग करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, लेके भाग जाना चाहिए। अगर वो ना माने तो उसके चेहरे पर एसिड फेंक दो, उसके पेट में चाकू भोंक दो। यहाँ क्यों आए हो जीजाजी? वोट जिसके पास है उससे मीटिंग करना चाहिए, इससे क्या काम है? बोलो तो इससे मार दूं। कितने लोग होंगे? 10 लोग होंगे बस। बोलो तो अभी मार देता हूं सबको। अरे नहीं नहीं, जल्दबाजी मत करो। मेरे कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दूंगा ना, अपने आप निकल जाएंगे। खोली की गली में जन्म हुआ, मवालियों के बीच में पला बड़ा। बचपन से एक ही चीज बहुत अच्छे से जानता हूं मैं, वो है मर्डर करना। से सुनो, तुमने अपनी डिग्री पाने के लिए जितनी मेहनत की है ना, आज इस पोजीशन में आने के लिए मैंने भी उतनी ही मेहनत की है। ईमानदारी से मेरी बात नहीं मानी ना तो मां कसम कोई जिंदा नहीं जाएगा। भेजे में बात आ गई, चलो कल्टी हो जाओ। हो जाएंगे जीजाजी, क्यों हो जाएंगे ना? अगर नहीं हुआ तो इसका ये हो जाएगा। ए, चलो रे, चलिए जीजा जी आइए। अबे पागल हो क्या, मेरे घर में मेरे ही बेडरूम में आ गए हैं? तुम्हें तो अभी क्या, ये तुम सब किससे पंगा ले रहे हो जानते हो? हट जाओ, हटो, हटो। कुछ बोलो यार। अरे क्या चाहिए, क्या चाहिए भाई, बोलो। देखो अगर कुछ है तो बैठ के बात करते हैं ना। ए सूर्या, याद करी? अरे कहां मर गए सब के सब? अबे कुछ तो बोलो। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता था। हमारे कैंपस में कदम रखने वाले तेरे गुंडे कभी वन पीस में वापस नहीं गए।
उसके बाद कभी किसी ने कदम रखा भी नहीं। हमें उकसाना मत। अरे बाप रे, ऐसा होगा तो कैसा चलेगा? दीदाजी दीदाजी कुछ तो बोलो ना। सुनो, उन कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स को बॉम्ब से उड़ा दूंगा। कुछ तो बोलो दीदाजी, बोलो दीदाजी। दीदाजी कुछ तो बोलो ना दीदाजी, मुंह तो खोलो दीदाजी। अरे सारे कॉलेज को ही बॉम्ब से उड़ा दूंगा दीदाजी, दीदाजी। अरे दीदाजी क्या बोलेंगे? ऐसी खामोशी से 100 बॉम्ब्स 1000 तलवारें ना पैदा करने वाली हलचल वो सिद्धार्थ साइलेंटली दिखाकर चला भी गया। उन दिनों महात्मा गांधी ने अहिंसा को आयुध बनाकर इसी तरह खामोश बैठे रहे तो लाखों ब्रिटिशर्स वापस लौटकर भाग गए। वो सिद्धार्थ बिना चश्मा और लाठी का महात्मा गांधी है, मामूली बंदा नहीं है। हथेली में समंदर दिखाकर चला गया है। उसी समंदर में जाके डूब मरो। देखो साले साहब, उसके होते हुए ना हमारा जीतना मुश्किल है। नहीं जीत पाए तो उसे मार देंगे। हमें गुंडागर्दी नहीं, राजनीति करनी है। उसने हम सबको जिस तरह साइलेंटली मारा है, हम भी उसे साइलेंटली ही मारेंगे। तो फिर क्या करने बोल रहे हो? इस लॉयर के मुताबिक बॉम्ब और तलवार छोड़कर गांधी बनकर बैठ जाए क्या? देखो, इलेक्शन होने तक हमें गांधी बनकर ही रहना है। उस सिद्धार्थ की गैंग को बांध कर जनता से सिंपैथी लेंगे। समझ गया जीजाजी, मैं भी थोड़ा राजकरण जानता हूँ। वही यार, अब मैं जीजाजी पर बॉम्ब फेंकूंगा और लगेगा कि उसने फेंका है। मतलब जीजाजी आपको कुछ ना हो ऐसा बॉम्ब फेंकूंगा, लेकिन तुम्हें मारने के लिए उसने बॉम्ब फेंका है कहकर अटेम्प्ट टू मर्डर केस में फंसा देंगे। तो फिर तुम खुद किसी एक केस में जेल जाकर वहां से प्लान करो बॉम्ब फेंकने का। क्या आइडिया दिया है, कोई और दूसरा केस किस लिए? तुम्ही को मार के अटेम्प्ट टू मर्डर का केस ले लेता हूँ, क्योंकि तुम किया। चिल्लाओ मत। तुम एक काम करो, जाके पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट लिखवाओ। पुरुषोत्तम यादव, पुरुषोत्तम यादव। और अजय के लोगों ने मिलकर उनके पार्टी ऑफिस के सामने ही खुद की गाड़ी में बॉम्ब रखकर मुझे मारने की साजिश रची है। इधर जनता की सेवा करने की वजह से ही ऊपर वाले ने बचा लिया मुझे। स्टूडेंट्स को राजनीति में आना चाहिए, इस देश को आगे बढ़ना चाहिए, सच है। लेकिन जो हुआ आपने खुद देखा, स्टूडेंट सोचते कम है और गुस्सा ज्यादा करते हैं। खुद पर हुए हमले को सिद्धार्थ और उसके साथियों ने किया है कहकर पप्पू यादव के आरोप से पुलिस ने सिद्धार्थ और अजय के साथ सारे साथियों को अरेस्ट कर लिया है। सर, अरे यार क्या है ये? सिद्धार्थ को देखे बिना हिलेंगे नहीं, बोल रहे हैं सर। अरे क्या कर रहे हो?
लोगों को कैसे काबू करना है हमारे होम मिनिस्टर अच्छे से जानते हैं। वैसे आप कौन है सर? पीवीआर प्रसाद आईएएस, पीए टू होम मिनिस्टर। नमस्ते सर। आजा। सिद्धार्थ 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 अपने स्टूडेंट्स के सपोर्ट से तुमने क्या पा लिया? सलाखों के पीछे बैठ गए ना, 1 2 3 4 4 3 2 1 जैसे उल्टी गिनती कर रहे हो। और मैं शहर में गुंडागर्दी करके जीत कर होम मिनिस्टर बन चुका हूँ। तुम्हारे लाइफ ऑर्डर को बदलने वाला लॉ एंड ऑर्डर अब मेरे ही हाथ में है, और सबसे पहले कल कोर्ट में तुम्हें फांसी की सजा दिलवाने में इस्तेमाल करूंगा। कोर्ट तक क्यों जाजी, आप बोलो तो अभी इसको यही खत्म करता हूँ। पप्पू क्या पक पक कर रहा है, जीत की खुशी में? ठीक है, खुश हो ले, चाहे तू जीते या मैं, जनता की भलाई होनी चाहिए। और ये मेरा फैसला है, अपने पालतू साले के साथ काम पे लग जा। मतलब अबे क्या सोच रहे हो, क्या कल से मैं पागलों की तरह जनता की सेवा करूंगा ये सोचा क्या? मेरा ड्रेस बदल चुका है लेकिन मेरी आदतें नहीं बदली। हलचल मचा दूंगा, जितना मिलेगा उतना खाऊंगा, हाथ में आएगा तो गटक जाऊंगा। पप्पू बोला ना, फैसला कर लिया है, मैंने सब सोच लिया है, जा तो काम कर। क्या फैसला किया है तूने? क्या फैसला किया है तूने? टीचर जी, चाली साहब। हाँ जी जाजी। अपने प्लान के मुताबिक तुम्हें थोड़े दिन और जेल में रहना पड़ेगा। ठीक है जी जाजी, ये देखो मेरा सेल। फैसिलिटी पूरी है ना? आपके होते हुए क्या कमी, सोफा दिया है, पलंग दिया है, टीवी भी दिया है, वो देखो। मधुरी माँ 12 रुपए, पहली रात के बाद 15 रुपए, कुमारी कन्या 20 रुपए, सविता भाभी ये थोड़ा कॉस्टली है सर। इनसे काम चला रहा हूँ जीजाजी। जीजाजी जीजाजी, साथ में एक सेल फोन दे दोगे ना तो सेल में ऐश करूंगा। चल ठीक है, दगले जा। सेल में रूल्स? काय के रूल्स, ये मेरा साला है, इसके लिए इतना भी नहीं कर पाया तो काय का मंत्री मैं। आए पद्मावती, क्या है कि तुम आराम से बात कर लो। इधर आओ, चलो। तुम कैसी हो डार्लिंग, क्या कर रही हो? प्रसाद राव सर, कल कोर्ट में पेशी के लिए सिद्धार्थ की सिक्योरिटी के लिए कौन जा रहा है? एसीपी पूर्णिमा सर। तेरी तो टेटवा दबा दिया ना, तो जो खाया है सबका सब यहीं बाहर निकाल देगा। बोला ना मैंने कुछ नहीं किया, जबरदस्ती है क्या? क्या बोला? मेरे साथ जुबान लड़ाएगा तू? चल अब उतार। क्या निकालू? देखो बहुत ज्यादा आ रहा है। कुर्ता उतार, तेरी तो आज तो तेरे। देखो ठीक नहीं है, जुबान लड़ाएगा। देखो ठीक नहीं है, और एक ले ले, तेरी तो तेरे पर फेंक दे। चलो ले 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 ले, देखो देखो ठीक नहीं है, सारा समझते और ले और ले और ले, ये ले। क्या उतारू बोलता है? चल अब पैंट उतार। बह रहा है क्या? पैंट उतार। ए मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ, समझा क्या? मेरे इस डिपार्टमेंट में मुझसे कोई सवाल नहीं करता, ना कमिश्नर ना कोई मंत्री, समझा क्या? ए जल्दी से पैंट उतार वरना तुझे भी झंडे की तरह तोड़ के रखूंगी। कल उस सिद्धार्थ को कोर्ट कितने बजे लेके जाने वाले हैं? 10 बजे ले जाने वाले हैं सर। उसके पास जो स्टूडेंट्स की ताकत है उसे तो जानती हो ना, अगर वो रास्ते में आ गया तो कोर्ट जाना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए वो बच कर ना निकले। ऐसा एक डूब शो करो। डूब शो क्या? अरे वही, एक अपराधी को एक जेल से दूसरे में शिफ्ट करते समय किया। अच्छा अच्छा अच्छा, उसकी तरह लंबे गोरे लड़के को देखकर सबके सामने वैन में चढ़ते हुए देखने के बाद और उसे लेकर जाते वक्त सब लोग उसी को सिद्धार्थ समझेंगे। सिद्धार्थ को रातों रात हमारे किसी फार्म हाउस या बंगलों में शिफ्ट कर दो, कल मैं वहाँ से उसे कोर्ट के पीछे वाले गेट से अंदर लेकर आऊंगा। स्टूडेंट्स को और मीडिया को असली वाला मिलेगा ही नहीं। क्या बात है सर, बहुत हंस रहे हैं आप तो। मेरे डूब शो के आइडिया पर मुझे खुद को ही हंसी आ रही है। कभी कभी अपने दिमाग की भी बत्ती जला लिया करो। सर, हाँ बोलिए सर। क्यों पूर्णिमा, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है ना? आपका आइडिया तो सुपर्ब है। अरे पब्लिक तो यही समझ रही है ना कि असली सिद्धार्थ जीप में है।
हेलो। ए पप्पू, मैं तुझे सिर्फ पप्पू समझता था, लेकिन तू तो एक नंबर का गधा निकला यार। मेरे साथ असली पुलिस नहीं है, दिमाग कमजोर है तेरा, बादाम भिजवाऊं क्या? यहां से लेफ्ट लो। अरे रे रे रे, स्टॉप स्टॉप, अरे जाओ उसके पीछे जाओ। अरे कहां है वो? वो भी आपकी तरह दिमाग का इस्तेमाल करके भाग गया सर। हेलो, हाँ सिद्धार्थ जो है ना वो भाग चुका है, उसके आगे पीछे कौन है ये पता लगाओ। उस सिद्धार्थ का कुछ पता नहीं चला भाई, उसके माता पिता अमेरिका में रहते हैं। अगर किसी ने भी ऐसा कहा कि उस सिद्धार्थ का कुछ पता नहीं चला तो उसका भी यही हाल होगा, देख लो। चलो जाओ जल्दी और जाकर उसे लेकर आओ। नहीं सर, रुमाल दीजिए। सुनो बेटा, शादी की तैयारी हो गई है, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मंगल स्नान के लिए आ जाओ बेटा। आता हूँ माँ जी, आता हूँ। अभी अभी हाथ खून से रंगे थे और अब हल्दी के पानी से हाथ धोकर फेरे लेने जा रहे हैं। सर जी, बकरी कसाई पर भरोसा करके इतनी खूबसूरत छोरी इस पप्पू से कैसे पट गई, क्या कहते हैं आप? अमावस्या के दिन अंधेरे में देखा होगा उसने, कलर दिखाई नहीं दिया होगा, फंस गई बेचारी। अपने मिनिस्टर साहब एजेड तो हो गए हैं लेकिन जवान लगते हैं, परसों मिनिस्टर की कसम खाई थी, आज शादी की खाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। ये शोर क्या मचा रखा है? तुम स्टूडेंट्स का यहाँ क्या काम? होम मिनिस्टर जी की शादी है। हम सब शादी में हैं। ये देखिए इनविटेशन। हाँ, जाओ। स्टूडेंट्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे गांव में बस आप ही की चर्चा है। मेरी दादी कहती है आपसे मेरी शादी होना मेरा भाग्य है। पूर्णिमा, सर सर सर, वो देखो सिद्धार्थ वहाँ है, वहाँ खड़ा है, वो देखो वो रहा सिद्धार्थ, वो देखो वहाँ है, वहाँ देखो, जाओ जाकर बताओ उसे। सर आप इतना परेशान मत होइए सर, वो लड़का यहाँ नहीं आ सकता, मैंने चेक कर लिया है, आप रिलैक्स हो जाइए। अरे पंडित जी शुरू कीजिए ना, वो क्या देख रहे हैं मेरा, चलिए चलिए मंत्र शुरू कीजिए। ए, मंत्र बहुत बोल चुके हो, मंगल सूत्र लाओ बांध देता हूँ। अरे बांधता हूँ ना। मरम 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 मरम, दुल्हन भाग चुकी है, भागी नहीं है, दिखाई नहीं दे रही है, ये बोलो। हाँ भाई भाई, दिखाई नहीं दे रही है। पूर्णिमा हरि आप ढूंढो उसे, किसी को भी बाहर जाने मत देना, अच्छे से ढूंढो। मरम, ए हटो, किसी ने मेरी मरम को देखा?
वही यार, शादी की साड़ी पहनी थी, माथे पर सोने का टीका था और हाथ में चूड़िया। हाँ, दो हाथ हैं, दो पैर भी हैं, एक चोटी भी है, बता दो। पूर्णिमा, सिद्धार्थ मेरी वरम को उठा कर ले गया होगा, वो देखो वो रहा गाड़ी में। ये बहुत बड़ा नेक्सलाइट एरिया है सर, यहाँ जगह जगह पर बम लगाए होते हैं, ऐसे में हमने गाड़ी चलाई ना तो हम सबकी जान जा सकती है। तेरी की जिंदगी में मुझे पसंद करने वाली कोई पहली लड़की मिली, बीवी बनने के पहले ही उठा कर ले गया वो। अब थोड़ी देर में पूरे देश को पता चल जाएगा, जो बीवी को नहीं बचा पाया वो देश क्या बचाएगा। ये सारे यही बात करने वाले हैं, पूरे चैनल्स में मुझे बदनाम कर देंगे। ये लो आ भी गए। सर ऐसा तो नहीं कि आप जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं। तो बात मत करो। कंट्रोल सर, कंट्रोल। हाँ कंट्रोल में हूँ। वो लड़की खुद अपनी मर्जी से शादी कर रही थी। अगर ऐसा है तो दुल्हन को उठाकर लेकर जाने की क्या जरूरत हुई? टेररिस्ट की क्या जरूरत होती है, क्या जरूरत होती है? कई तरह की डिमांड पूरी करने के लिए उसने ऐसा किया होगा। यानी ये सिद्धार्थ टेररिस्ट है सर? पूर्णिमा बोलो। हाँ, वो बहुत बड़ा खलनायक टेररिस्ट है, मुझे अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है। हाँ ध्यान से सुनिए सब लोग, सिद्धार्थ उस लड़की को लेकर गया ऐसा छापना, मतलब भागा कर ले गया ऐसा मत छापना। भागा ले गया ऐसा मत छापना। भागा कर ले गया छापा ना तो हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। हड्डियां नहीं, उसकी जो उठा कर ले गया। अरे हट जाइए। पूरी मीडिया से देखो, मेरी एक ही दरखास्त है, मैं अपनी होने वाली बीवी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ एकदम, आप लोग हेल्प कीजिए। अपने गहने निकाल कर इसमें बांध दे। तुम्हारी शक्ल देख के ही मैं पहचान गई थी कि तुम माथेरान स्टेशन के पॉकेट मार हो। ये बात नीचे ही बोल देते मुझे, वहीं पर तुम्हारे मुंह पे मार देती मैं। पहाड़ चढ़ने से तो बच जाती, वैसे भी मेरे पप्पू के सामने ये सारे गहने कुछ नहीं है, तुम तो अब बचने ही नहीं वाले हो। ओए कहाँ जा रही है? और कहाँ जाऊंगी, फिर वापस जाके मुहूर्त निकालना पड़ेगा ना। इस बार मुहूर्त मैं निकालूंगा, बैठ जा। मतलब तुम मुझे नहीं छोड़ने वाले हो? काम होने के बाद हवा में छोड़ दूंगा। मेरे खानदानी गहने गए, क्या तुम वही हो? भाई ने मुझे बताया था, क्या तुम वही हो? दाढ़ी तो नहीं है, फिर नहीं होंगे। अब तुम्हें मुझसे क्या काम है? कहीं तुम मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करोगे ना? कहीं रेप या मर्डर नहीं करोगे ना? कर भी सकता हूँ। बेकार में याद दिला दिया। तू मुझे डरा रहा था? हाँ, तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ? मेरे गांव में सब मुझसे डरते हैं, समझ गया ना? तुम कैसे समझ पाओगे, मैं दिखाऊंगी तो समझोगे ना। क्या खाते हो तुम और किस चीज से बने हो? तुमने इसे भी तोड़ दिया। कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ मुझे। चिल्लाना बंद कर। वरना तूने जो बोला ना वो करके दिखाऊंगा। चल चल। चल। मुझे पानी से डर लगता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुमने मुझे छुआ,
अब मेरा पूरा बदन अपवित्र हो गया है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, इस पापी से मुझे बचाओ। मेरे पप्पू ने मुझे ऐसे फूल की तरह रखा और तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? पूरा अपवित्र कर दिया। दोबारा ऐसे किया ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। hey! चल। See, मिस्टर, ये वो नहीं। My good name is वरलक्ष्मी। गुड नहीं, बैड नेम है। चलेगी या नहीं? और क्या करूंगी, हवाई जहाज थोड़ी ना आने वाला है। अगर मेरा पप्पू होता ना तो मुझे हेलीकॉप्टर में घुमाता। पैसे के लिए शादी कर रही है। वो भी एक कारण है। चलो आओ। मेरा उन्हें हाँ बोलने का कारण ये है कि जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा था ना तो वो तुरंत ही गिर गए थे मेरे प्यार में। प्यार में सबकी तरह उन्होंने मेरे साथ कोई टाइम पास नहीं किया, सीधा दादी माँ के पास आए और उनसे शादी की बात कर ली। देखा तुझे और शादी की बात दादी से क्यों? तुम पागल हो क्या? शादी की बात दादी माँ से मेरे लिए की। इस तरह से हमारी शादी तय हो गई और धीरे धीरे हमारा प्यार बढ़ता गया। वो मुझे हर रोज शाम को फोन किया करते थे। उनकी फोन के लिए मैं शुक्ला जी की दुकान पर इंतजार किया करती थी। जब जब उनकी फोन की घंटी बजती थी मेरी धड़कनें और भी बढ़ जाती थी। दरअसल मुझसे प्यार करने के बाद ही वो मिनिस्टर बने। वो मिनिस्टर बना है गुंडागर्दी करके। एक बार पुलिस स्टेशन में फाइल चेक कर उसकी। तुम जानते हो श्री कृष्ण भगवान को, उन्होंने भी बहुत सारी साड़ियां चुराई थी। लेकिन जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तुम्हें पता है क्या हुआ? उन्होंने उसे कांजीवरम साड़ी दी। मेरा पप्पू अगर राजनीति में है तो वो बुरा हुआ क्या? अगर ये चीज किसी को गलत लगती है तो वही चीज दूसरे को सही लगती है। अरे लड़की है यार, उसके साथ में हम वो करेंगे। क्या करेंगे? जो हमने पिछले महीने किया था। स्नान करेंगे? अरे स्नान नहीं रे, जो सिनेमा में दिखाते हैं। अच्छा, डांस दिखाते हैं। अरे नहीं यार, इसके साथ में हम वो करते हैं। अच्छा तो मेरी मदद करोगे? हमें क्या बेवकूफ समझते हो? अगर चाहिए तो दारू लेकर पी लो। मतलब पी लो, पी लो। तुम लोग मेरा रेप कर दोगे? सही कहा, एकदम सही कहा। बहुत बुद्धिमान लड़की हो, वही करेंगे। अगर ये मान जाएगी तो रेप कैसे करेंगे? ए सुन, तुम तेजी से दौड़कर भागो, हम दोनों पीछा करके तेरा रेप कर देंगे। पीछा करके रेप कर देंगे। अरे रुको, अब लोग आ गए। ए लड़की, रुको रुको। कहाँ देखा रहा है? ये तुमसे भी बड़ा गुंडा है। हमसे भी बड़ा गुंडा है? कौन है ये? मक्खन की तरह तो दिख रहा है। ए लड़की, इस पूरे जंगल में हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। कहो तो हम तुम्हें बता कर दिखाए क्या? मतलब मार डालोगे क्या? अरे मार डालना तो हमारे बाएं दाएं हाथ का खेल है। मुझे तो नहीं लगता। तो दिखाए अपना धमाल। वो तो तुम्हारी मर्जी है ना। मार डालो जल्दी। मुझे नहीं, इसे इसे मारो। हमें भुलक कर समझती हो क्या? हमें मारना तो तुम्हें। ए चल यार, मार दे उसको। मैं बेवकूफ बनाती हो? चलो मारो उसको। ए लड़की, भागना नहीं। काट का दिया। तेरे गांव का नाम क्या? अपने गांव वालों की तरह होशियारी दिखाने की कोशिश की ना तो बुरा हाल करूंगा। चल। अरे छुड़ा के जाओ ना, कहाँ फंसा दिया? ऐसे रहेंगे क्या? जादू तो ना किया होगा यार। मिस्टर गोपीचंद, उस तरफ छोकरी का कुछ पता चला? नहीं मैडम, सब जगह ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं पे नहीं मिला। पूरब की ओर देखना बाकी है। जल्दी जाओ। ओके मैडम। मिस्टर कांसीराम, पूरब की ओर एक भी कोने को मत छोड़ना। हर तरफ अच्छे से छानबीन करो। ओवर। प्रसाद राव सर, उन दिनों जंगल में जैसे राम जी सीता को ढूंढ रहे थे ना, मुझे भी वैसा ही लग रहा है। ये राम के बारे में लगता है ठीक से जानता नहीं होगा। दस्तर वाले को ही राम समझ रहा है ये। मिल गई। मेरी होने वाली बीवी की पायल मिल गई मुझे। कितना पागल है, उस लड़की की पायल ही मिली है अभी, और देखो इसकी खुशी का ठिकाना नहीं। अगर लड़की मिल जाएगी
तो ये तो खुशी से पागल ही हो जाएगा। पूर्णिमा सर, कोई शक नहीं है, मेरी वरम यही कहीं आसपास मिलेगी। उनका पता चल गया है सर, वो पूरब की ओर गए। ब्रिज के किनारे पहुंच के कूदने बोलो। ठीक है, मिनिस्टर जी कह रहे हैं कि ब्रिज के कोने तक आने पर वहां से कूद जाओ। ओवर सर। कूद जाओ, ओवर। खाओगे नहीं? Thank you.
चोर ऊपर से बेशर्म, पूरा खाना अकेले खत्म करते का। क्या बोली? हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम खाओ ना। खा पी कर जब इसे नींद लगेगी तब मैं भाग जाऊंगी। ये पूरा तुम ही खत्म कर दोगे? क्या तू भी पीना चाहती? नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, तुम इसे पूरा पी जाओ। फिर मैं नशे में सो जाऊंगा और तू भाग जाएगी। ठीक है भाग जा, पप्पू को नहीं मिल पाएगी, कोई जंगली जानवर फाड़ के खा जाएगा। अगर नशा हुआ और इसने कुछ गलत किया तो? इन कपड़ों में परी लग रही है तू। मतलब? तू तो पढ़ी लिखी है ना, मेरी बात नहीं समझ रही? नहीं समझ आई। वही मतलब? तू वो क्या कह रही थी तू? मैंने क्या कहा था? मैं कुछ करूंगा सोच रही थी ना। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, तू भी किसी से मत कहना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मिस्टर मेरे साथ कोई चालाकी नहीं चलेगी। हाँ अच्छे काम करते करते बोर हो गया हूँ, सोच रहा हूँ आज बुरा काम भी कर ही लेता हूँ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं भी हाथ जोड़ता हूँ, अपनी मर्जी से करने दे। कुछ करूंगा नहीं तब तक ये शांत नहीं होगी। तुम्हारा जैकेट किधर है? बताओ ऐसे कैसे गायब हो गया? Thank you.
देख लिया ना, चारों तरफ बॉम्ब लगवा दिए मैंने, एक भी कदम आगे बढ़ाए तो फट जाओगे। ईमानदारी से कहता हूँ, मेरी वरम को छोड़ दो और मेरी तरफ आने दो, माँ कसम मैं तुम्हें माफी दिलवा दूंगा। अरे रे 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 रे, आगे बढ़ जाइए। अरे क्या कर रहा है ये, जितने बॉम्ब्स लगे हैं उन्हें दिवाली के फटाके समझ रहा है, अभी इसका पावर बताएंगे ना तो अक्कल ठिकाने आएगी। ओए पूर्णिमा सर, लगता है ये किसी से नहीं डरता, मैं इसे अपनी बातों में उलझाता हूँ, चुपचाप शूट कर देना। नहीं सर, अगर गलती से बुलेट उस बॉम्ब पर गिर गई तो आपकी होने वाली के तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ए, मैं सात तक गिनती गिनूंगा, अगर तुम नहीं माने ना तो हमारे बुलेट से तुम अकेले मरोगे, समझ लेना। तुम नहीं समझ पा रहे हो, हमारे प्यार के आगे हार मान जाओ ना, वरना तुम मारे जाओगे। जो भी होगा हम दोनों के साथ होगा। गिनती शुरू। एक, दो, तीन, चार, पांच, सात। सर, अब सात फेरे किसने लिए? गिनती तो इसने गिनी है, फेरे उसने लिए। मतलब शादी हो चुकी है क्या? इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर, ए! बाप रे, बॉम्ब पर पैर रख दिया। सर, नहीं, हिला मत सर, हिला मत। क्या करूं? पूर्णिमा, सॉरी सर। पूर्णिमा, ए, अरे कहाँ जा रही हो? सर, अब हिला मत। रुक जाओ पूर्णिमा। अच्छा हुआ फंस गया। एक ही झटके में काम तमाम। अच्छा हुआ इसे पीछा छूटा। भागो, भागो यहाँ से। वरम, प्यार प्यार मोहब्बत, बड़ी बड़ी बात कर रहा था ना, दिखा प्यार, आराम से चल कर आ जाना। तू वहां जा, वहां खड़ी रहे। तुझे तेरी जान भीख में क्यों दे रहा हूं जानता है क्या?
भीख में दी हुई जिंदगी के बारे में सोच के तू पल पल मरेगा। इसलिए स्टूडेंट्स राजनीति में आएंगे तो तू उसके साथ क्या करने वाला था? वही हश्र तेरे जैसे गुंडे का भी कर सकता हूं मैं। असली शादी तो अब शुरू होगी। तुम्हारा नाम क्या है? शकुंतला। नमस्ते सर। सिद्धार्थ कहाँ है? अरे बताओ सिद्धार्थ कहाँ है? बोलो। अरे सर सर सिद्धार्थ कहाँ है? हमें कैसे पता होगा सर? ए, एक को भी मत छोड़ना, सबकी टांगे तोड़ दो। सिद्धार्थ बताओ नहीं तो हम दोनों सलाखों के पीछे हथकड़ियां पहनकर बैठे रहेंगे। अरे क्या कर रहा है तू? तू पागल हो गया है क्या? तू पागल हो गया है क्या? तुझे मालूम नहीं पॉलिटिक्स में ये सब करना पड़ता है, लोगों की भावनाओं से खेलना पड़ता है, तब जाके हम टिक पाएंगे। ये सब करेगा तो तेरी कुर्सी जाएगी, और कुर्सी गई तो पब्लिक पलट के मारेगी। नमस्कार नमस्कार। पॉलिटिक्स 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 पॉलिटिक्स। सिद्धार्थ सिद्धार्थ सिद्धार्थ। स्टेट में तुम्हारी इज्जत जा चुकी है। क्या है जीजा जी, मुझे जेल में रखकर मेरे हाथ बांध दिए, ये सब जानने के बाद भी चुप रहा तो? तलवार माफ करेगी लेकिन बॉम्ब नहीं। निकल चुका हूँ। अपनी बहन को अपने साथ नहीं लाया तो मेरा नाम नानी नहीं। हाँ, जिनकी तकलीफें देखकर हम राजनीति में आए थे उनकी हालत तो पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। टाइम पर मजदूरी ना मिलने की वजह से उन लोगों को भीख मांगनी पड़ रही है और उनमें से कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। ऊपर से वो पप्पू यादव हमारी दुश्मनी की वजह से उन्हें परेशान कर रहा है। उनके लिए दिए गए खेतों को बेचकर नाम के वास्ते बनाए हुए घर भी उन्हें मिलने से रोक रहा है। ये बेईमानी कर रहा है। पब्लिक भी हमें लेकर के कंफ्यूज है। असल में हमारे सिद्धांत क्या है और उनके रास्ते क्या है पता ना चलने की वजह से सिविल डिफेंस से हमारा कमाया हुआ नाम ही खराब हो चुका है। क्या कर सकते हैं? जनता की मदद करने के लिए हमने राजनीति में कदम रखने का फैसला किया है ना, हमारा पहला लक्ष्य वही है, किसी भी हाल में उन्हें मदद करना, फिर चाहे हमारी जान भी क्यों ना चली जाए। बस हमारे सिर से टेररिस्ट का दाग हटाना है, और यह सारा किया धरा पप्पू यादव का है। अगर हमने ये साबित कर दिया तो राजनीति से उसका काम तमाम हो जाएगा। और ये साबित करने के लिए हमें कहीं ना कहीं से सबूत ढूंढने होंगे। सब काम पे लग जाओ। ए भाई, तूने इस लड़की को कैसे झेला होगा? अरे पूरा दिमाग खा गई है। उसे संभाल कर रखना पड़ेगा वरना हमें ही मस्का लगाकर भाग जाएगी। एक बार ना हम नाव से गुजर रहे थे और तभी ठीक बराबर उनकी नाव आ गई सामने और मैं तो बस खो ही गई उनमें। नाव में बैठे सारे लोग जी भर के गोदावरी को देख रहे थे और मैं बस उन्हीं को देख रही क्या थी। क्या वो रोक रहे थे? वो इतने खूबसूरत थे कि बस मेरी आंखें उन पे थम गई। कुछ और तो नहीं थमाना? थम गया था ना मेरी नाक और उससे मेरी नतनी गोदावरी में गिर गई। चलो पीछा छोटा। मुझे बहुत रोना आया। कितनी सी बात के लिए वो कूद गए? वो इतनी छोटी सी नतनी पूरे गोदावरी में ढूंढ रहे थे। किसी और की छीन कर लाया होगा। चुप रहो तुम, हमेशा उल्टी बात करते हो। एक बार पप्पू मिला ना तो तुम तो गए।
तो मैं क्या कह रही थी, हाँ नाक की नथनी। तो वो नाक की नथनी गिरी और मैंने उनको मेरा दिल दे दिया। वो बहुत अच्छे हैं पता है, मैं उनसे रोज मिला करती थी और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और पता है क्या हुआ था, हम लोग ना एक बार गुलाब के बगीचे में मिले थे और वहाँ ना मुझे बहुत शर्म आ रही थी। तुम शर्माती बहुत हो। तभी पता है वो मेरे पास आकर मुझे क्या बोले, बताओ तुम क्या मांगना चाहती हो, बोलो बोलो ना। लड़की को पढ़ाने के लिए लड़के ऐसा ही बोलते हैं। तब मैंने क्या मांगा जानते हो, चांदी की पाया, सोने के झुमके, ऐसा कुछ नहीं, एक लाल गुलाब चाहिए था बस मुझे। फटाक से लाकर दिया होगा तुम्हें। ऐसे कैसे, वो बगीचा तो सफेद गुलाब का था ना। कहानी में ट्विस्ट काफी है। तो उस वक्त उन्होंने क्या किया बताओ बताओ। फोन करके मंगवाया होगा या तुमसे बोला होगा कुछ और मांग लो। तुम सबकी सोच बस इतनी सी है, लेकिन तुम्हें पता है उन्होंने मेरे लिए अपने प्यार के लिए क्या क्या किया। हाथ काटकर उस सफेद गुलाब को लाल गुलाब बना दिया उन्होंने। किसका हाथ काटा? अरे खुद का ही हाथ काटा ना। अरे बस भी करो, सुबह होते ही उसका सबसे पहला काम होता है किसी का गला काटना, भला वो कैसे अपना हाथ काटेगा। उनका दिल तुम कभी नहीं समझ पाओगे, खुद को जलाकर सामने वाले को रोशनी देने वालों में से है वो। उसमें चर्बी है, चलो ये तो तुम मानती हो। तुम लोग कभी नहीं समझ पाओगे, कभी नहीं। पागल होगी हो क्या? कभी नहीं। हाँ पागल हो गई हूँ, अपने प्यार से दूर हूँ तो पागल ही हो जाऊंगी ना। हाँ हूँ मैं पागल, अपने प्यार से जुदा हो रहा पागल पर है तो हूँ मैं पागल। उनकी जुदाई के बारे में मैं सोच सोच कर पागल होते जा रही हूँ। मैं पागल हूँ। बताओ क्या करना है। ठीक है हम मानते हैं तुम पागल हो। मेरी पवित्र प्यार के बारे में मैंने तुम सबको बताया, ये गलती हो गई। छाता चाहिए, धूप में छांव चाहिए, हर मौसम में किसी को मारना हो तो नानी चाहिए। आज जीजा जी की आंखों में खुशी देखनी है और तुम्हारी आंखों में मौत। तू तो गया। ठीक है तो हो जाए, लेकिन मरने से पहले मेरी बात सुने। भाई इसकी बात मत सुनना आप। क्यों, बातों से ही मार देगा क्या? अगर इसकी बात सुन ली ना तो चिकनगुनिया हो सकता है। अच्छा चल मार के तो दिखा। मारूंगा नहीं, मौत से मुलाकात करवाऊंगा। वहीं पर किसी को जान देने के साथ साथ जान लेने के बारे में भी पढ़ते हैं। आज तू भी देख ही लेना, अगर कसकर एक सिर पर दे दिया ना तो दिमाग की सारी नसें चूर चूर हो गए, खून को खोपड़ी में फैला देंगी, फिर तेरी आंखें हाथ पैर गर्दन सब सुन्न हो जाएगा। ये भी नहीं कर पाएगा, जिंदा लाश बन जाएगा, फिर हमारे लैब में प्रैक्टिकल्स के लिए काम आएगा। तो आ जा रे, देखते हैं तेरे कॉलेज में मेरी लाश जाएगी या तेरी लाश।
उस बुजदिल पप्पू यादव ने नानी की वजह से हमें फंसा दिया है, लेकिन नानी जेल में था वो बाहर कैसे आया पता करो। इस हालत में हम कहाँ छुपेंगे, पूरा स्टेट हमारे लिए चप्पा चप्पा छान रहा है। मैं अपना ख्याल रख लूंगा, तुम अपना काम करते रहना और हाँ मेरे कांटेक्ट में रहना। ब्लैंक रेंज भी आपके सामने खड़ा करूंगी, सिर्फ 5 सेकंड में वो आपके सामने होगा सर। बदमाश, उसे पता नहीं उसका पाला किससे पड़ा है, आपसे पड़ा है। वो हर बार हमारे हाथों में आकर निकल जाता है, पता नहीं वो कब पकड़ में आएगा। सिद्धार्थ लाइन पर है सर। हे, मेरी होने वाली बीवी का क्या किया? अभी तक कुछ नहीं किया। अरे तो करना क्या चाहते हो? सब्जी बना के खाना चाहता हूँ। क्या कुछ भी पूछ रहा है, अगर तुझे तेरी हीरोइन जिंदा चाहिए तो मेरी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। क्या है डिमांड? क्या तू तेरी हीरोइन को पसंद करता है? अरे पसंद क्या, जान है मेरी वो तो। अगर तू फिर से उसके साथ शादी के मंडप में बैठना चाहता है तो जैसा बोलता हूँ वैसा कर। बोल, किसको जान से मारूं? कौन से मिनिस्टर को मारूं या किसी पुलिस ऑफिसर को मारूं? बोले तो मैं सीएम को मार दूं क्या? जान लेना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है, मारना जलाना कोई भी काम चुटकी में करता हूँ। कहे तो पुलिस स्टेशन में बम रखवा दूं या किसी एयरपोर्ट को उड़वा दूं। बोल बोल, तेरी वरम के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ये घटिया काम तो तू अब भी कर रहा है, कुछ नया ट्राई कर देना। क्या करना है बोल? राजनीति मतलब प्रजा की सेवा करना, और मेरी डिमांड वही है। तूने जनता को वादे किए,
लेकिन उन वादों को निभाना तो भूल ही गया। पहले मेरी बात सुन ले, 10 करोड़ मांगेगा ना, 10 करोड़ दूंगा। 10 कॉन्ट्रैक्ट मांग, 20 कॉन्ट्रैक्ट दिलवाऊंगा। शहर के पास 50 एकड़ जमीन मांगेगा ना, वो भी दिलवा दूंगा। अगर किसी आईटी पार्क के सामने कुछ एकड़ जमीन चाहिए ना, तो 500 एकड़ दिलवाऊंगा। अगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आना है ना, 50 सीट्स दिलवाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये कैसी डिमांड है, कहता है जनता की सेवा करो, दिए हुए वादे पूरे करो, ये सब मुझसे नहीं होगा। अप्पू, मेरी डिमांड जो है वो पूरे कर, दोबारा फोन नहीं करूंगा, अपना काम खुद कर लूंगा। ठीक है, एक बार मेरी वरम से बात तो करा। पप्पू, तुम कैसे हो पप्पू? वरम, पप्पू, मैं तेरे बिना नहीं जी पाऊंगा वरम। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है पप्पू। तुम चिंता मत करो वरम, मैं हर पल यहाँ डर डर के जी रही हूँ, पता नहीं ये राक्षस मेरे साथ कब क्या कर दे। बस तुम्हारे प्यार का साथ है मेरे पास पप्पू। देखो तुम बिल्कुल मत डरो, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। परम 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 परम। अरे भाई बात तो पूरी करने दे। काफी बातें हो गई, मैंने जो बोला है वो कर पप्पू। हेलो हेलो सर, ये सिर्फ खलनायक ही नहीं है, ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। हम में से कोई भी उसे ट्रैक नहीं कर पाया। मुझे तो लगता है ये टेलीफोन पोल के ऊपर चढ़कर बात कर रहा है। सर, उसकी डिमांड पूरी करने के लिए हमें कम से कम 100 करोड़ चाहिए सर। दे दूंगा जितने रुपए चाहिए। सर, स्टेट में उतना बजट नहीं है सर, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए काला धन निकालना पड़ेगा। निकाल दूंगा, मेरी वरम के लिए काला धन तो क्या, सफेद भी निकालूंगा। ए, चलो निकलो यहाँ से। अचानक से आपको जनता की सेवा करना याद आ गया और सब बहुत हैरान है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आश्चर्य की कोई बात नहीं है, मुझे मेंटली चोट पहुंचाने के लिए सिद्धार्थ ये सब ट्राई कर रहा है। मेरी पर्सनल लाइफ को जनता के लिए कब का मैंने त्याग कर दिया। देश का कल्याण करना ही मेरी लाइफ का मकसद है, फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। अरे रे 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 रे, पप्पू शाहजहां से कम नहीं है, उसने ताजमहल बनाया था और ये तेरे लिए गलियों में सड़क बना रहा है, सही है? अरे ऐसे मूर्तियों की तरह खड़े होने से तो अच्छा है कि जाओ जाकर कुछ काम तो करो। अबे लेबर का खर्चा तो बचेगा। सपने में पप्पू आया था क्या? नहीं, तुम आए थे। पार्टी बदल दी? सपने में तुम हम दो प्रेमियों के पवित्र प्यार को समझकर ये जान गए थे तुम कि प्रेमियों को अलग करना गलत है, और फिर तुमने हम दोनों की बहुत धूमधाम से शादी करवाई और तुमने हमें आशीर्वाद भी दिया। तुम्हारी इतने अच्छे कर्म देखकर मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हें खाना भी खिलाया। इसमें एक ही बात अच्छी है, तुमने हमारी शादी करवाई, वही ना तो मुझे खाना खिला रही है वो। वही तो, अच्छा तो लगेगा ना। ये हथकड़ियां खोलो, काम है मुझे। क्यों? अरे अब हर बात तुम्हें बतानी पड़ेगी। खुजली हो रही है मुझे। कहाँ हो रही है? बेशरम आदमी, ऐसे कोई पूछता है क्या? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कितने दिन हो गए सूरज देखकर बस इस सड़ी हुई जगह में मुझे लाकर रख दिया। चल बाहर घूम कर आते। सच बोल रहे हो तुम? कोई पागलपन तो नहीं करेगी ना तुम्हारे साथ? तुम्हारे साथ घूमना मतलब पुलिस स्टेशन में कैद होने जैसा है। ले चलना है तो मेले में ले चलो। क्या पी रहे हो तुम? दारू है ना? सारे बुरे काम करते हो तुम। अच्छे काम करते रहेंगे तो बोर हो जाएंगे। अच्छे काम करते हुए बोर हो जाते हैं क्या? अच्छा बताओ, तुम्हारी शादी हुई है क्या? मेरे तो बच्चे भी हैं। सच्ची में? हे झूठ मत बोलो तुम, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तो क्यों पूछ रही है, पागल हो गई है क्या?
अच्छा सुनो, तुमने कभी अपनी जिंदगी में किसी से प्यार व्यार किया है क्या? सब ठीक तो है ना? नहीं, एज निकल जाएगी ना इस। पप्पू की उम्र क्या है? वो मैं नहीं बताऊंगी। बूढ़ा हो गया है वो। वैसे दिखने में तुम ठीक ठाक ही हो, पप्पू जितना नहीं हुआ। वैसे भी आजकल की लड़कियों की पसंद ही कुछ और है, तुम्हें थोड़ा बदलना पड़ेगा। क्या बदलना है? ये गुस्सा ना, इससे कोई फायदा नहीं होता। लड़कियों से ना थोड़ा प्यार से पेश आना पड़ता है। ये किडनैपिंग फाइटिंग करने से अच्छा तो प्यार करना सीखो तुम। पर सपोज तुम्हें किसी लड़की को भगाना है ना, तो उससे प्यार से पेश आओ, और अगर चुराना है तो उसका दिल चुराओ। फिर देखो कैसे भाग के आएगी तुम्हारे पास और खुद ही भाग जाएगी तुम्हारे साथ। दिल को चोरी करना मतलब वो क्या होता है? वो मतलब मैं बताती हूँ। प्यार मतलब झरने की तरह कभी सूखता नहीं है, वो समंदर की तरह होता है, हमेशा भरा पूरा। प्यार मतलब एक नाजुक विषय है और ये तुम्हें बिल्कुल नहीं पता होगा। उसके लिए ना आपके पास बहुत वो चाहिए होता है। वो मतलब? अरे बता रही हूँ ना, बोलने वाली बात थोड़ी ना होती है, समझने वाली बात होती है। हाँ, वो कभी भी हो जाता है, लेकिन ये कब कहाँ किससे ये बताना तो बहुत मुश्किल है। क्या कंफ्यूज कर रही है, सीधा बताना। कंफ्यूज कहाँ कर रही हूँ, सीधा ही तो बता रही हूँ ना मैं। मुझे लगा तू पागल है, लेकिन हाँ तू प्यार में पागल है। वैसे प्यार व्यार जैसी कोई चीज नहीं है, थोड़ा बाहर आकर देख, दुनिया में क्या चल रहा है सब कुछ पता चल जाएगा। बहुत मान ली तुम्हारी बातें, जब देखो बस डांटती ही रहते हो तुम। तुम कभी प्यार से बात नहीं कर सकते। अगर आप जैसे युवा नेता राजनीति में आ जाए तो हम जैसे आम इंसानों के तो भाग ही खुल जाए साहब। बाबूजी, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, हम भी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपने हम सबके लिए जो कुछ किया है, हम जिंदगी भर उसका एहसान नहीं भूलेंगे। आपको ये नहीं लगता कि आपके काम करने का तरीका गलत है, ये नक्सलिज्म को बढ़ावा देता है? ह्यूमनिज्म। इस विषय में आपका क्या कहना है? ईमानदारी से सेवा करो, वरना राजनीति छोड़ दो। अगर गलत काम नहीं कर रहे तो आप छुपा क्यों रहे हैं? हम टेररिस्ट नहीं है, वो साबित करने तक करना पड़ेगा। राजनीतिक नेताओं के मन में डर पैदा करके बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। जाने माने अपराधी पप्पू यादव ने भी डर के मारे पब्लिक के लिए अच्छे काम करने शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही बाकी के एमएलए और एमपी ने भी जनता की सेवा में ध्यान देना शुरू कर दिया है। विरोधी पार्टी वाले ये समझ रहे हैं कि सिद्धार्थ की धमकी के पीछे कोई अदृश्य शक्ति है। जैसे ही उसका फोन आता है ना, रिकॉर्डिंग शुरू कर देना। सर, एक बार खाली हाथ लग जाए बताता हूँ मैं। ए, रुक 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 रुक। ओए पप्पू, काम आम छोड़कर मेरे फोन का इंतजार कर रहा है। हे सिद्धार्थ, देखो तुमने जो कुछ भी कहा ना, वो सब मैंने कर दिया, अब तो वरम दे दो। देखो 3 महीने तक शादी का मुहूर्त नहीं है। हाँ, अच्छा तू एक काम कर, अभी इसी वक्त इस पद से राजीनामा दे दे और हमेशा के लिए राजनीति छोड़ दे। हे, टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे बाहर फेंक दूंगा। सिर्फ बातें करेगा या मीटिंग भी करेगा? ओ, 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 ओ। सुर बदल गया तेरा। ऐसी बात नहीं है सिद्धार्थ, देखो मेरे पद से तुमको क्या तकलीफ है? तकलीफ मुझे नहीं है, जनता को है। 4 लोगों को अंदर करके काम खत्म हो गया, ये मत समझ। अब क्या होता है आगे देख। आज तक तो मैं अकेला ही तेरा दुश्मन था ना, अब तो मेरे जैसे 100 क्या 1000 पैदा हो गए जो राजनीति में गुंडागर्दी करने वालों को करा लेंगे। आराम से आराम से, वो हमें बेवकूफ बना के कहीं नजदीक से ही बात कर रहा है। आप कंटिन्यू कीजिए, कमॉन कमॉन। देखो सिद्धार्थ, ठीक है ऐसे ही करते ना, चाहे मेरा पद चला जाए लेकिन मुझे मेरी वरम मिल जाएगी। लेकिन तुम लोग मेरे साथ आओ। सिद्धार्थ, सरेंडर कर दे अपने आप को। वरम के कपड़े। सर, जरा ये देखिए। शिट, ये तो पुलिस हेडक्वार्टर्स में ही था। अरे इससे ज्यादा इंसल्ट और क्या होगी।
अभी अभी सिद्धार्थ को लेकर एक बड़ी न्यूज मीडिया में आ रही है। अभी तक सिद्धार्थ ने वरलक्ष्मी के साथ अपने आप को सरेंडर नहीं किया है। हाई कोर्ट ने बताया है कि बॉम्ब ब्लास्ट केस, जेल से भागे हुए केस और वरलक्ष्मी के किडनैपिंग केस में सिद्धार्थ को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल घोषित कर दिया गया है और शूट एट साइट का ऑर्डर आ चुका है। सुन, हाई कोर्ट ने 48 आवर्स के बाद तेरे लिए शूट एट साइट का ऑर्डर पास किया है। बॉम्ब ब्लास्ट किसने करवाया था, कुछ पता चला? उस पप्पू के साले को इस्तेमाल करके हमें इस केस में फंसाया है और कोर्ट में उसने ये प्रूव किया है कि उस समय वो दूसरे केस पर जेल में ही रिमांड में था। जरा मुझे दे, मेरी बात सुन। हमें खबर मिली है कि वो तुझे जान से मारना चाहते हैं, तू होशियार रहना। उसे मैं देख लूंगा, तू अपने लोगों को अलर्ट कर, ठीक है? क्या बोला? कोर्ट ने 48 घंटे के बाद मुझे मारने का ऑर्डर दिया है। मैं तुझे सिर्फ 24 घंटे दे रहा हूँ। तूने जो भी मुझ पे इल्जाम लगाए हैं सारे हटा ले। इल्जाम? कौन से इल्जाम लगाए? कितना भोला बन रहा है, जैसे कुछ पता ही नहीं है। तूने मेरे सिर पे जो टेररिस्ट का इल्जाम लगाया है वो तुझे खारिज करना होगा। अरे भैया, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो इल्जाम मैंने लगाया है? जो तेरे बगल में खड़ा है ना, टूटा फूटा नानी, वही मेरा सबूत है। जिद्दी नानी, चुपचाप सच बोल दे। एक बार तो तेरे हाथ पैर तोड़ चुका हूँ, अगली बार एक एक पुर्जा उखाड़ दूंगा। ए पप्पू, तेरी हीरोइन मेरे पास वन पीस में आई थी ना, लेकिन तेरे पास टुकड़ों में पहुंचेगी। आम जनता का अच्छा करने के लिए मैं तेरे साथ कुछ भी बुरा करने को तैयार हूं। इसको देखो, कमाल की पर्सनैलिटी है यार। हॉस्पिटल में डरने की बजाय ये तो खुश हो रहा है। बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा है। सब रेडी है? आऊं क्या? ऐसे यू कहां? आगे से ले। तेरे जीजू की आंखों में खुशी देखना चाहता था ना, वो तेरी आंखों में मौत देखना चाहता है। देख लो, वो मेरा साला नहीं है, किसी और की लाश है। क्या वो चली गई होगी? ट्रेन जाने से पहले हमें उसे बता देना चाहिए। बारिश हो रही है, ट्रेन लेट होगी। इसको ऐसे ही छोड़ दें क्या? इसे कल से पहले होश नहीं आने वाला। हेलो,
नहीं तो कुछ भी नहीं, जिंदगी सुनी है। पप्पू ऐसा निकला इसीलिए नहीं रो रही, पश्चाताप हो रहा है इसीलिए भी नहीं रो रही हूँ। ये सोच के रो रही हूँ कि मैं गांव कैसे जाऊंगी अब। एक धोखेबाज के साथ भागी हुई लड़की को माफ कर पाएंगे सब? इतना सब होने के बाद गांव जाने की हिम्मत मैं कैसे लेकर आऊँ? सबको मुंह में कैसे दिखाऊँ? ये तो पप्पू को सुनना चाहिए। अब पप्पू क्या करेगा? हाँ, अब जो भी कुछ करना है ना वो तुम्हें करना है। बिल्कुल परी लग रही है। चलना। सर, सिद्धार्थ को कोर्ट ने दिए हुए टाइम में सिर्फ 12 घंटे बचे हैं। जो करना है कर लीजिए सर। इतने दिन तक सिद्धार्थ के मूवमेंट समय क्लियरली पता नहीं चले, इसलिए वो हमारे साथ खेल रहा है। अब उसका रूट क्लियर है, वो पक्का कल सुबह हाई कोर्ट आएगा। हाई कोर्ट जाने वाले रास्ते को ब्लॉक करो और उस पर फोकस करो। चार मीनार ब्रिज, पुराना पुल, मदीना होटल, सिटी कॉलेज, इन सारी जगहों पर नाकाबंदी करो। आने चाहिए ऐसा कहने वाले होम मिनिस्टर पप्पू यादव पर बॉम्ब से अटैक करके, फिर पप्पू यादव की मंगेतर को किडनैप करके पूरे स्टेट में सनसनी पैदा करने वाले अपराधी सिद्धार्थ को सरेंडर होने के लिए हाई कोर्ट द्वारा दिया हुआ समय 10 मिनट में समाप्त होने वाला है। कोर्ट में हाजिर होने से पहले सिद्धार्थ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। इन सारी घटनाओं की सच्चाई क्या है ये सब जानने के लिए हम सीधा उनके पास चलते हैं। मुझे कोर्ट में कटघरे में खड़ा रहना चाहिए था, लेकिन टीवी के जरिए आपके सामने आया हूं, इसलिए माफी चाहता हूं। मैं कोर्ट में आने से पहले पप्पू यादव और उसके आदमियों की सच्चाई सबके सामने लाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा यही मानना है कि न्याय अभी तक मरा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं टीवी के जरिए आपके सामने पेश रहूं। प्रोसीड। 2001 में बने इस नए एक्ट के तहत मैं इस तकनीक को इस्तेमाल कर रहा हूं। आपको कुछ कहना है? जो भी कहना है साफ साफ कहिए। किसी बड़े इंसान ने कहा है कि ये देश आलसी हड्डियों वाले युवा का बिल्कुल नहीं है, हमारा है। ये देश विदेशी बैंकों में पैसे छुपाने के लिए देश को गिरवी रखने वाले नेताओं का नहीं है, हमारा है। ये देश पुलिस को खरीद कर 2% के अत्याचार करने वाले भाड़े से खरीदे गए गुंडों का या राजनेताओं का नहीं है, हमारा है। ये देश बाप मर गया तो बेटे को, पति मर गया तो बीवी को, भाई मर गया तो भाई को सीट देने वाले पॉलिटिशियन का नहीं है, हमारा है। हम युवाओं का है। लेकिन हम किस जमीन के बदले में सौदा कर रहे हैं? दूसरे विश्व युद्ध में न्यूक्लियर बम धमाके से नष्ट हो चुकी हिरोशिमा नागासाकी जैसी जमीन, या कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद धर्मराज को मिली हुई जमीन? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें। हमें चाहिए सुजलाम, सुफलाम, सत्य श्यामलाम जैसी दिखने वाली भारत की जमीन। क्या वो जमीन हम बेचने देंगे? विदेशियों को हमारी जमीन बेच के हम खुद ही मजदूर बन रहे हैं। एक जमाने में किसान ने चावल बेच के कितना कुछ कमाया होगा, फल बेच के भी आम इंसान खुशी से घर चला रहा था। लेकिन आज सोचते हैं राजनीति में जाएंगे तो पैसों की बारिश होगी। पुलिस को देखकर आम इंसान भी डर जाते थे, लेकिन आज नेताओं को देखकर पुलिस वाले डर जाते हैं। बदमाश गुंडे लोगों ने मिलकर राजनीति को युद्ध भूमि बना दिया है। यहां तक कि आम आदमी राजनीति में कदम रखने से डरता है। इन हालात में जनता की सेवा की इच्छा रखने वाले विद्यार्थी, इंटेलेक्चुअल्स, समाज सेवक, यही तो है जो देश की सेवा कर सकते हैं, जो इस देश के लिए जान लुटा सकते हैं, जिनके खून का एक एक कतरा इस देश के लिए वफादार है। कईयों ने तो शादी भी नहीं की, क्योंकि उनके लिए भारत देश ही उनका घर है और यहां की जनता उनका परिवार।
ऐसा नेता चाहिए जिसने सरकारी घर गाड़ी सब कुछ ठुकरा दिया हो देश की सेवा करने के लिए। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि ये देश महात्मा गांधी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का देश है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, अब्दुल कलाम आजाद, भारत के इन सपूतों को हम कैसे भूल सकते हैं। हमें ऐसे नेता चाहिए। आज का युवा कहता है इस देश में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इस देश में सब कुछ सही करने के लिए आज हमारे जैसे युवाओं को ये कदम उठाना पड़ा है योर ऑनर। चलो माना कि तुम राजनीति को दोष दे रहे हो, लेकिन तुमने जो किया वो भी तो गलत है ना। मैं जेल से भागकर अपने रास्ते का कांटा हटाने के लिए आतंकवादी नहीं बना। जिन्हें सही वक्त पर मदद नहीं पहुंची उन्हें मदद पहुंचा रहा था। और इतना ही नहीं, एक बात और, कानून पे भरोसा रख के एक सच्चे नागरिक की तरह सबूत इकट्ठा कर रहा था। और वो सबूत क्या है? ये उधर क्या कर रहा है? ये तुमने क्या कर दिया जीजा जी? मैं तुम्हारी आंखों में खुशी देखना चाहता था और तुम मेरी मौत देखना चाहते थे। अपनी बहन को छोड़कर मैं तुम्हें चाहता था और तुम अपने साले का ही गला घोट रहे थे। तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया जीजा जी? इस स्टूडेंट को फंसाने के लिए तुम पर बॉम्ब फेंकने का नाटक करके इन लोगों ने ही बॉम्ब फेंका है ये कहकर अंदर करवा दिया। आप पर किसी को डाउट ना हो, इसलिए आपको बचाने के लिए मैं जेल गया। सिद्धार्थ ने मेरा और गांव वालों का बहुत ख्याल रखा, बहुत भला किया। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। लेकिन हमारे समाज में पप्पू यादव जैसे राक्षस को बिल्कुल जगह नहीं मिलनी चाहिए। मेरी जैसी लड़कियों की रक्षा करना और गाँव के लोगों का भला करना, बच्चियों को पढ़ाना, ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है। ये तो बहुत ही गर्व की बात है। चुनाव के समय हुए बॉम्ब ब्लास्ट के केस में सिद्धार्थ और उनके दोस्तों को बाइज्जत बरी किया जाता है और इसी केस में पुरुषोत्तम यादव उर्फ पप्पू यादव प्रथम दोषी पाया जाता है। दूसरा दोषी जनार्दन वेंकट राव उर्फ जिद्दी नानी, इन्हें कानून के हिरासत में लेने का फैसला सुनाया जाता है। और साथ ही सिद्धार्थ का जेल से भागना, वरलक्ष्मी को किडनैप करना, ये भी अपराध है। इस केस में उन्हें बेल दी जाती है। अगले सेशन में अटेंड करने का ऑर्डर है। ये जीत सिर्फ मेरी जीत नहीं है, हम सब की है। आज के सारे युवा विद्यार्थियों को मेरा एक संदेश है, आइए गुंडे राजनेताओं को मार मार के भगाएंगे। अचानक इसे क्या हो गया? एम्बुलेंस, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। इतना वक्त नहीं है गाड़ी रेडी कर, इसकी जान खतरे में है। उठाओ जल्दी शफी, आंखें खोल, आंखें खोल। एम्बुलेंस शफी, मेरे सामने देख, तुझे कुछ नहीं होगा। आंखें खोल, मुझे देख, देख। वो लक्ष्मी दिखाई नहीं दे रही है। शफी आंखें खोल, तुझे कुछ नहीं होगा। शफी कुछ नहीं होगा तुझे, बोला ना गाड़ी निकाल। अबे जिंदा है कि बच गया? सिर्फ वही नहीं, तुम सब लोगों का वही हाल होगा। अब देख रहा, बर्फ को चारा बना के मुझसे खेले हो ना। अब देख मैं तेरे साथ कैसे खेलता हूँ। हिम्मत है तो आजा। सिर्फ उसके जान ऊपर जानी चाहिए, वो ऊपर नहीं आना चाहिए। मार दो उसे। बहुत हिम्मत आ गई है तेरे अंदर। क्या मैं तेरा रेप नहीं कर सकता या उसे जान से नहीं मार सकता? ठीक है, उसको मार के और उसकी लाश के सामने ही हम स्वागत मनाएंगे।
युद्ध करना ही पड़ेगा। रावण को ठिकाने लगाने के लिए राम बनना ही पड़ेगा। मैंने बोला ना मत आना, फेंक दूंगा इसे। चल चल। तुम मर जाओगे बे, मरोगे तुम दोनों। खत्म, बोला ना। मत मारेगा तो तू भी मेरी तरह गुंडा बन जाएगा। कहा था ना कि गुंडों को निकाल के फेंकता हूं, अब तुम्हें भी उस गुंडे में एक बनना है तो आ जाओ। आओ ना, मारो मारो।
अरे इस देश से राजा भी गए, ब्रिटिश वाले भी चले गए, जमींदार भी चले गए, लेकिन मैं अब भी हूँ। गुंडों का राज्य है ये, हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अबे आना मार, अबे मार ना। अरे तुम तो आज तीन के सांप निकले, मुझे ही मार दिया बे। सांप से खेलने वाला सांप काटने से ही मरता है, ऐसा सुना है। तुम्हारी मौत भी बिल्कुल वैसी ही है, प्यार से साला कहकर बुलाते थे, इसलिए एक एहसान करूंगा, तुम्हें अपने ही हाथों से मार दिया बे। जिंदगी में दुश्मन नहीं होने चाहिए। अपने दुश्मन जीजा जी को तो मैंने मार दिया, मगर मेरा असली दुश्मन तू है। जब तक तुझे नहीं मारूंगा दुश्मन खत्म नहीं होंगे। सीट पायो, कंग्रेचुलेशंस बेटा। हाँ, तुम्हारे लिए नहीं 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 चाहिए क्या? ठीक है, क्या है कि पॉलिटिक्स में ये सब सम्मान करने का ड्रामा होता रहता है ना, लेकिन तुम लोग ने सबक अच्छा सिखाया। पते की बात, तुम लोग अकेले पार्टी में क्या करोगे, असेंबली में मेरे साथ ज्वाइन कर लो, दोनों साथ मिलके बैटिंग करेंगे। ये आखिर काली कहाँ चला गया? काली मेरा डिप्यूटी मिनिस्टर है, मैं उसे असेंबली से निकाल दूंगा और तुम्हें उसकी जगह पे रख लूंगा, और देखना हम दोनों मिलके आने वाले जनरल इलेक्शन में जीत जाएंगे। चुटकी बजा के ये काम होगा। चुटकी बजाना बंद कर, मुद्दे की बात कर। हाँ, मुद्दे की बात ही तो कर रहा हूँ, अकेले मिलके कुछ नहीं कर पाओगे, साथ मिलके सबको हिला देंगे। असेंबली में कितनी सीट होती है? ये क्या सवाल जवाब का गेम खेल रहे हो मुझसे? मुझे अच्छी तरह से पता है, मैं इसमें पूरी तरह से अनाड़ी नहीं हूँ। पूरी 294 सीटें। इतनी कैसे होती है? कैसी क्या होती है, 1, 2, 3 3.5 एक दो तीन से पेट नहीं भरेगा ना, तुम्हें तो करोड़ों की आदत है। अजय सुन, अंदर जाते हैं, देश के लिए बहुत काम करने हैं। ऑल द बेस्ट अजय, फिर मिलेंगे नेताजी। वहां कहाँ जा रहे हो, यहाँ चलो। कहाँ? दादी के पास। लेकिन क्यों? शादी का मुहूर्त नहीं निकालना है। और कोई काम नहीं है क्या? नहीं है, अब चलो। अरे